नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। मैच के दूसरे दिन भारत की तरफ से मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने शानदार शतक लगाए और दूसरे दिन के आखिरी सेशन में कप्तान विराट कोहली ने भी अच्छे हाथ दिखाए और साल 2017 का उन्होंने 19वां 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया। दूसरे दिन के अंतिम सेशन में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने एक ही बॉल पर दौड़कर 4 रन ले लिए। आमतौर पर खिलाड़ी मैदान में 4 रन बहुत कम लेते हुए देखे जाते हैं, इस लिहाज से ये नजारा खासा रोमांचक हो गया। दरअसल कोहली ने गेंद को हल्के हाथों से खेलते हुए सिंगल चुराया। इसी बीच फील्डर ने थ्रो फेंका जिसे खिलाड़ी रोक नहीं पाए और गेंद मिड विकेट क्षेत्र में ओवर थ्रो के रूप में चली गई। इसी वक्त का दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाया और 4 रन दौड़ लिए। वैसे इन 4 रनों को लेने के दौरान दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने भी लगे, वो इसलिए भी क्योंकि ये 4 रन लेने के दौरान पुजारा खासी परेशानी में नजर आए थे। विराट कोहली ने बहुत तेजी से दौड़ते हुए 3 रन तो पूरे कर लिए, लेकिन चौथे रन के लिए पुजारा का इंतजार करने लगे। जब पुजारा अपनी क्रीज पर पहुंच गए तो उसके बाद ही चौथा रन लिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि पुजारा ने पूरे दिन बैटिंग की थी, इसीलिए वो ज्यादा थके हुए थे, जबकि कोहली ने आखिरी सेशन में बैटिंग की। कोहली टीम के कप्तान है, इस लिहाज से अगर वो रन दौड़ने के लिए कहें तो पुजारा मना भी कैसे कर सकते हैं। हालांकि रन लेने के बाद दोनों खिलाड़ी मुस्कुराते रहे और दोनों खिलाड़ियों ने एक ही बॉल पर दौड़कर 4 रन बना लिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।